फुटबॉल के लिए आज ये दोनों टीमें हार और जीत की जंग लड़ेंगी। अभिवादन करते हुए तालियां बजनी चाहिए आपकी ओर से भी। और ये देखिए स्पोर्ट्समैन से किसी को कहते हैं हार हो या जीत हो, मित्रता समान भाव होता है खिलाड़ियों में। हालांकि थोड़ी देर के लिए इनके बीच जंग जरूर होगी, लेकिन निकलते ही फिर से ये हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से। कांगे में मैराथन दौड़ की थी और बड़ा इनामी राशि के थी खिलाड़ियों को हौसले को बढ़ाने के लिए। तो खेल के क्षेत्र में इनका भी काफी रुचि है, काफी बड़े बड़े आयोजन करने के लिए। हमारे मंच पे माननीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, आपकी कीमती समय के लिए अभिनंदन। आप दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं देने के बाद अब आइए मैच का आनंद। सतीश के कंधों पे जिम्मेदारी मिली है लिटिल स्टार हुलुंडू की टीम के कैप्टन। अपनी टीम अच्छा पास जरूर था लेकिन ऊंचाई को जर्सी नंबर 40 रोहित है शॉट लेने वाले खिलाड़ी। इस डायरेक्ट किक का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहेंगे। कमाल का हेडर यहां पे। गेंद के साथ मनीष आगे बढ़ते हुए, हालांकि इस बीच यहां पे गेंद को आगे बढ़ाने का काम किया है जीएफसी गाड़ी फुटबॉल के जर्सी नंबर 16 सूरज। एक लंबा शॉट यहां पे रोहित के लिए, एक अच्छा स्किल यहां पे, हल्का सा पास खतरा बन सकता है, कंट्रोल कर नहीं पाए यहां पे जर्सी नंबर 16। हालांकि विकास अपने साथी खिलाड़ी हुलहुंडू की टीम अटैक में जर्सी नंबर 11 के पास मौका। पिंटू एक अच्छा क्रॉस यहां पे, हालांकि उस क्षेत्र में गोलकीपर के नजदीक और अब बिल्कुल अकेले, कोई परेशानी नहीं। लंबा शॉट है, गोलकीपर को सावधान रहना पड़ेगा। अभी भी गेंद प्ले में, बॉक्स के अंदर से ये क्रॉस, हालांकि बहुत अच्छे अंदर खतरा तो डला नहीं था, लेकिन ये शॉट काफी लंबा है। क्या गेंद को प्ले में रख पाएंगे खिलाड़ी? जी नहीं। एक और बार सूरज को आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक नपातोला पास, अभी भी गेंद प्ले में और संकट के बादल यहां पे। अच्छा स्किल है, क्या क्रॉस दे पाएंगे? जी नहीं। थोड़ा बहुत यहां पे शोल्डर पुश,
रमेश गेंद के साथ है। यहां पे दूर से ही शॉट था, कमजोर शॉट लेकिन शॉट ऑन टारगेट। गेंद के साथ धर्म है, क्या क्रॉस दे पाएंगे? कंट्रोल कर नहीं पाए अपने आप को भी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कई बार आपने पढ़ा होगा धर्म गेंद के साथ है, बॉक्स के अंदर अपने साथी खिलाड़ी से सपोर्ट, पिंटू जो सिर्फ 11। जर्सी नंबर 8 का क्या क्रॉस देखने को मिल पाएगा? काफी विलंब हो गया निश्चित रूप से। रोहित ने यहां पर क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन सीधे प्रवीण त्रिकी के पास गई थी। अच्छी गाड़ी ओटवार के प्लेयर है साइड बैक जर्सी नंबर 15 प्रवीण त्रिकी फिलहाल गोल के साथ। हर्षित बारा राजकिशोर माथो बहुत ही सुंदर पास यहाँ पर बढ़ाया है लेकिन इससे पहले भी कुछ कर पाते क्रैच किया निशांत ने। राजकिशोर ने यहाँ पर वन खेलने की कोशिश किया है, बहुत तेज दौड़ लगाई थी, पास देना चाहते थे अर्षित बाड़ा को। भूषण पवन जाधव यहाँ पर मौका हो सकता है, एक बिलिया था लेकिन बिल्कुल एंड बैक पर गोलकीपर आए और लाइन को ब्लॉक किया। हालांकि टकरा दूर से बिल्कुल बार को चुकती हुई एक शानदार सेव यहां पर सौरभ कांत का नपा तुला ये की। जो भी दर्शक वहां पर बैठे और एक शानदार कॉर्नर की हेड जमाने की कोशिश थी, सही दिशा नहीं दे पाए। रोहित का क्लियरेंस बहुत ही शानदार स्पीड के साथ यहां पर दिशा परिवर्तन किया, फ्लैग चेंज किया एंड हाथ को लेने के लिए तैयार होते हुए। बहुत ही लंबा ये फ्री किक सीधे गोल पोस्ट पर है, बिल्कुल टारगेट पर थी लेकिन जीवन वहां पर तैयार थे, आसान सा बचा उनके द्वारा। क्लियर किया गया है इसका ढूंढ लोगे जी द्वारा, बॉल की मांग थी यहाँ पर एडवांटेज दिया गया, अच्छा बॉल निकाला हर्षित बारा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीछे सोन को रोकने की गलत तरीके से वहां पर कोशिश की गई, रोहित का छप बिल्कुल सामने थे। अच्छा दिगंबर और हर्षित बारा वहां पर तैयार है किक लेने के लिए, क्या रणनीति के साथ ये जाएंगे देखना होगा। और ये किक मार बैठे लेकिन काफी ऊपर, एक बड़ा मौका हाथ से जाता। फुटबॉल की टीम फिलहाल अटैक कर रही है इस मुकाबले में, अब तक दोनों ही टीमों का स्कोर 0-0 का रहा है। मौके हालांकि मिले हैं जरूर इस बीच यहां पे एक और बार अगले मैच में एक बार के सामने दुबलिया बहुत ही शानदार रणनीति यहां पर देखने को मिली,
जितना वक्त क्रॉस कर पाते कि नहीं, धर्म वहां पर बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनको रोका गया। थोड़ा सा व्यवधान जरूर हुआ था। काफी तेज गति से यह पास खेल बराबरी पे रहे हैं दोनों ही टीम। हर्षित गेंद के साथ एक खूबसूरत पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए जर्सी नंबर 26 प्रकाश बारला का क्रॉस आया था यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल तैनात थे शैलेश, पहले के जगह गोल को क्लियर किया। फिलहाल बीचों बीच हार और जीत के बीच में जंग चलती हुई जीएफसी गाड़ी ऑटोवार और लिटिल स्टार होनोलुलु के बीच में। आलोक का क्लियरेंस आता हुआ राजकिशोर मातो के पास, दो जर्सी नंबर 18 सुमन किंडो ने बॉल को बढ़ाया था आगे। और ये देखिए काफी बाहर फिर से रामदयाल मुंडा, जी हाँ कल आपने देखा दो दो उलट फिर बड़ी टीम थी शक्तिशाली मैकॉन को बाहर दिखता है। प्रकाश गेंद के साथ एक खूबसूरत पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और यहां से एक लंबी दौड़ देखने को मिल सकती है जर्सी नंबर 8 विकास, हालांकि विकास की गति को रोक लिया है इन्होंने। एक लंबा शॉट यहां पे सेंटर सर्कल को बाहर करने का प्रयास हो रहा है। इस बीच यहां पे कारी होटबार की टीम क्या इस पहले हाफ की समाप्ति से पहले एक और चांस देखने को मिल सकता है। और इसी विसल के साथ ये मैच का फर्स्ट हाफ समाप्त हो चुका है और पहले हाफ में कोई स्कोर नहीं, यानी कि लिटिल स्टार होनोलुलु। के साथ यहां पर दूसरे हाफ के खेल की शुरुआत हो चुकी है। रमेश ने बॉल को बढ़ा दिया है रोहित के लिए, बहुत ही शानदार चेस से भी यहां पर लिटिल स्टार होनोलुलु के जर्सी नंबर 30 सतीश जो टीम के कैप्टन भी हैं। पिंटू ने बॉल को बढ़ा दिया था रमेश के लिए और फिलहाल बॉल आलोक के पास। बहुत ही सुंदर क्रॉस था लेकिन बिल्कुल तैयार थे आसानी के साथ वाला ये गलत पास कर बैठे हैं। मैसेज कीजिएगा ना इसमें मनीष ने बॉल को आगे बढ़ाया था रांची फुटबॉल पर रिटर्न किया गया जीएफसी गाड़ी ओटवार के द्वारा। फैलेस मनीष विकास का ये पास रोहित के लिए सुंदर क्रॉस था वहां पर बाहर रही दिगमता थी। हर्षी बाल ने बॉल को बढ़ाया है यहां पर एक मौका हो सकता था सामने आए जीवन और एक आसान का बचा शानदार आउटिंग कहेंगे गोलकीपर जीवन की। धर्म बहुत ही शानदार यहाँ पर रनिंग की तैयार करते हुए विकास ये पास दिया था क्रॉस किया गया लेकिन प्रवीण तिर्की का ये क्रॉस गलत पास गलत जगह वहां पर चूक गए थे रविंदर जी हाँ सतीश के हैं टीम के कैप्टन। कॉर्नर किक लेने के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कॉर्नर किक शानदार क्लियरेंस जादो के द्वारा गोली लगाना चाहते थे चूंकि गोल आई है रमेश के पास और फिर से कैप्टन के लिए बढ़ा दिया रमेश ने। क्रॉस यहां पर आता हुआ लेकिन जादो वहां पर खड़ा थे अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए थे जादो को अच्छा से यहां पे एक लाजवाब से सीधा शॉट
सीधे गोलकीपर के हाथों में, सौरभ के हाथों में। गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास इस बीच सकते हैं उल्लू के खिलाड़ी, लेकिन इस बीच अभी भी गेंद उल्लू के खिलाड़ियों के इर्द गिर्द। रोहित के पास निश्चित तौर पर यहाँ पर एक अच्छा क्रॉस किया गया है, सामने सौरभ का गोलकीपर जीएफसी गाड़ियों द्वारा, तो उन्होंने अच्छा बचाव किया और गोल को बढ़ा दिया राजकिशोर महतो के लिए। सुंदर स्किल के साथ आगे बढ़ते हुए राजकिशोर महतो काफी लंबा पास दिया है जर्सी नंबर 6 को, क्रॉस करने की कोशिश रमेश नहीं स्टार्ट किया। पिंटू ने बढ़ाया बॉल को आलोक के लिए, फिर से वापस पिंटू के पास बॉल गई है। पिंटू कैप्टन सतीश वाल खेलना चाहते थे, इसे ब्लॉक करके रखा था, मार्क करके रखा था, बॉल को क्लियर किया गया फिलहाल बॉल पोजिशनिंग के साथ जीएफसी गाड़ी हथवार आगे बढ़ती हुई, और फिर से छीन लिया गया है। आलोक है यहाँ पर, आलोक ने बॉल को बढ़ाया है, विकास के लिए बॉल को बढ़ाया था लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाया, और फिर से वही है बॉल रिटर्न होकर रविंदर के पास, गलत पास कर बैठे यहाँ पर रविंदर, सीधे बॉल जाती थी इस डाल देना। किया उन्होंने रविंदर के पास बोल रिसीविंग करना चाहते थे रोहित मुंडा, वहां पर ब्लॉक किया गया बॉल को रविंदर के द्वारा, अच्छा डिफेंसिव का नमूना पेश किया है रविंदर ने अभी तक। फिलहाल रोहित के पास बोल आगे बढ़ते हुए दाहिने छोर से लंबा पास दिया है धर्म के लिए, क्रॉस आता हुआ विकास ने यहाँ पर हेडर जमाया था जरूर, लेकिन ब्लॉक किया हुआ था लाइन को रविंद्र तिर्की ने, क्लियर किया गया था लेकिन अभी भी बॉल पोजिशनिंग लेडी लिस्टर हुलुंडू के पास। रमेश रोहित फिर से रमेश के पास, रविंदर शानदार पास यहाँ पर क्रॉस किया गया, देखना होगा क्या होता है। विकास है वहां पर गोली लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये गोली लगाया भी साइड गोली थी, काफी धर्म ने बॉल को निकाल दिया वहां पर आगे बढ़ रहे हैं काफी तेज गति के साथ, यहाँ पर एक मौका हो सकता है। बहुत ही शानदार क्रॉस था, तालमेल का अभाव देखा गया यहाँ पर। बहुत ही शानदार क्लियरेंस रोहित के द्वारा, दिगंबर तांती हर्षित बाड़ा सुंदर क्लियरेंस यहां पर आलोक के द्वारा, विकास इनके कैप्टन सतीश के पास बोल टीमों के द्वारा, क्योंकि जब आपके पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो आप अपने खेल में बदलाव चाहते हैं, अपनी रणनीति में बदलाव चाहेंगे। कितना फायदा होगा इनके मैदान में जाने का ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बाएं छोर से आगे बढ़ते हुए हर्षित बाड़ा, और आज बहुत ही बेहतरीन
प्रदर्शन रहा है रक्षा पंथी के खिलाड़ियों का। लेकिन ढूंढू के युवा जो रक्षा पंथी के खिलाड़ी हैं, अभी तक कोई मौका नहीं दिया है जीएफसी घाड़ी उठवा जैसी एक शक्तिशाली टीम को। दिगंबर तांती यहां पर मौका हो सकता है, लेकिन बिल्कुल तैयार थे जीवन, बाहर आया और बॉल को क्लियर किया और बॉल को बढ़ा दिया विकास के लिए। बबलू कच्छा सुंदर तालमेल यहां पर दिखता हुआ बबलू का और धर्म का बहुत ही शानदार पास निकाला है। आगे बढ़ रहे वहां पर विकास, देखना होगा इस बार क्या होता है। और काफी विलंब कर बैठे, लंबा टच कर दिया और अच्छा मौका भी, आक्रमण बेकार कर दिया विकास ने। राजकिशोर माथो और यहां पर चोटी ने खेल को रोकते हुए रोहित कच्छप। नाइन में आप देखेंगे जीएफसी गाड़ी उठवार की ओर से प्रवीण दिव्य का ये क्रॉस, लेकिन बिल्कुल तैयार थे वहां पर शैलेश, बहुत तो क्लियर किया है सुमन किंडो और उनसे छीन लिया गया है। पलटवार कर रहे हिटी लिस्ट और उल्लू के खिलाड़ी धर्म का भी तेज गति के साथ आएंगे छोर से आगे बढ़ते हुए। और फिर से एक गलती, लगातार ऐसी गलतियां हमको लगता है अगर होती रहे तो खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है इसका। बबलू कच्छप बबलू कच्छप गए हैं और ये बबलू क्रॉस करना चाहते थे। बबलू एक के साथ अभी साथी खिलाड़ी जो सिर्फ एक में विकास है। इसी तरीके से डिफेंस यहां पे आखिरी क्षण इस मुकाबले को समाप्त होने के लिए, और यहां से अगर कोई टीम गोल खा लेगी तो वहां से वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल प्रवीण तिर्की तैयार हैं फ्री किक लेने के लिए। लंबा फ्री किक है ये, जीवन वहां पर आ रहे हैं और सुंदर बचा उनके द्वारा, लंबा क्लियरेंस किया गया इनके द्वारा, ये क्लियरेंस था नियंत्रण करते हुए प्रवीण तिर्की ने यहां पर निकाल दिया बॉल को दो प्लेयर के बीच से। और सुमन किंडो का ये पास आसिफ के लिए, पीछे से पुश करने की कोशिश यहां पूरा और निशान। आसिफ ने बॉल को पीछे भेजा था राजकिशोर माथो के लिए और गलत पास कर बैठे सुमन किंडो। और यहां पर एक मौका फिर से, लेकिन यहां पर बॉल रिफ्लेक्ट होकर स्पष्ट रेखा के बाहर, और यह क्रॉस आता हुआ देखना होगा वहां कैप्टन है सतीश। शैलेश का उभरते हुए खिलाड़ी हैं ये लिटिल स्टार उलुंडू के, आने वाले दिनों में ये रांची के भविष्य, झारखंड के भविष्य। फिर से एक शानदार क्लियरेंस शैलेश के द्वारा दिगंबर तांती के पास बॉल आसिफ, दूर से यहां पर अच्छा प्रयास था उनके द्वारा लेकिन काफी कमजोर थी। काफी उम्र के ये खिलाड़ी, ऐसे लग रहे काफी अनुभव है इनके पास, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, कोई हड़बड़ाहट नहीं, लेकिन अग्रिम पंक्ति में कुछ हड़बड़ाहट देखी जा रही है बार बार। और विदाउट बॉल यहां पर टैकल किया गया उसका, महाराष्ट्र से तो
वापस हर्षित बाड़ा को बॉल पहुंचाना चाहते थे आसिफ, लेकिन विफल रहे और फिलहाल आक्रमण बहुत ही शानदार पास रमेश के द्वारा और ये बहुत ही शानदार पास, बिल्कुल रनिंग पास दिया बबलू कच्छप ने यहाँ पर और फिर से गलती। बहुत ही शानदार क्लियरेंस रमेंद्र के द्वारा, नंबर ताती आसिफ राजकिशोर मातो और तारीफ करनी हुई इस खिलाड़ी की पहले गुड गुड शिवसागर, उसे रिक्वेस्ट है कि वो मार्किंग वहां चूना लगा दें, कंप्लीट हो गया है गुड, वहां पे भीड़ नहीं लगाना है। कीपर कीपर और वो ये पहला किक लेने के लिए जाते हैं जीएफसी वटवार के खिलाड़ी में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बोलो बचता यार खूबसूरत गोल हमारे कॉलेज कैंपस के ग्राउंड के मुख्य द्वार पे जो वाहन लगी हुई है जिस भाई बंधु के वाहन है कृपया वहां से गेट के पास से हटा देंगे कि वो कभी भी हमारे अतिथि का ना सकते हैं तो उनको आने में तकलीफ होगी। तो जिस बंधु के मुख्य द्वार में बाइक और स्कूटी लगी हुई है प्लीज आप लोग वहां से हटा दें। तो नहीं गए पहला किक लेने के लिए तैयार वहां पे लेकिन स्टार बलबंडो के खिलाड़ी ये भी बिल्कुल उसी तरह बहुत ही आसान तरीके से गोल को देखते रह गए और नेट को छूते हुए दोनों ही टीमें एक एक पर। हमारे मुख्य जो गेट है वहाँ पे मुख्य द्वार के पास वहाँ वाहन लगी हुई है प्लीज आप लोग वहाँ से हटा दें ताकि हमारे अतिथि जन आएंगे तो उनको काफ़ी परेशानी होगी इसलिए आप लोग पहले से वहाँ पे खाली रखेंगे। बिल्कुल जोरदार शॉट ये बिल्कुल सीधा था गोलकीपर समझ नहीं पाए पहले वो फ्लाई कर गए जबरदस्त शॉट के द्वारा ये दूसरा गोल जैसे हटवार की ओर से और दूसरा शॉट लगाने के लिए जा रहे हैं इतने कोलोंडो की ओर से जैसे नंबर
जैसे नंबर एक अच्छा गोल वहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ में दोनों ही टीमें दो दो के बराबरी पर और तीसरा शॉट लगाने के लिए जा रहे हैं। किसी हटवार की ओर से जर्सी नंबर 26 के रूप में लिटिल स्टार हो रोली की ओर से गोलकीपर परिवर्तन किया गया है। देखना है कि उसे सफलता हासिल होती जा रही है। बहुत ही खूबसूरत बचाव गोलकीपर का परिवर्तन करके रिजल्ट दिखते हुए जर्सी नंबर 19 के रूप में लिटिल स्टार फुल हंड्रेड की ओर से और ये दूसरा गोल अभी 3-2 की बढ़त है। जिप्सी हटवार की ओर से जैसे नंबर 17 के रूप में शॉट लगाने जाते हुए और अपने टीम के लिए ट्रैफिक के द्वारा अच्छा गोल वहां पे
जैसे नंबर 11 के रूप में लिटिल स्टार गोलोंडो के खिलाड़ी शॉट चौथा शॉट लगाने जाते हुए 3-2 की बढ़त है अभी। और ये बहुत खूबसूरत और अच्छा बचाव अपने टीम के लिए दोनों ही टीमें अब बिल्कुल अलग अंदाज से ट्रेकर को मारते हुए देखे हैं और सफलता हासिल हुआ उसे। दोनों ही टीमें भी बराबरी पर देख लें क्या होता है आगे। पांचवा शॉट लगाते हुए जाते हुए जर्सी नंबर 12 के रूप में लेटेड स्टार गोलोंडो के खिलाड़ी इस तरह बिल्कुल ही आसान सा शॉट है सीधे गोल पोस्ट के बाहर और नतीजा 4-3 का